राधे राधे एंड हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके प्यार आशीर्वाद की वजह से हम भी बहुत 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 अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है ऑलमोस्ट पीहू के ऊपर है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे। पीहू किसी ख़ास इंसान के लिए जो कि पीहू के काफ़ी मतलब क्लोज हैं, उनके लिए ग्रीटिंग बना रहे हैं, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे होंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम खुद से ही मामा मुझे ग्रीटिंग बनाना है। एंड खुद देख रहे होंगे कितने मतलब कितने प्यार से लिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इरेज कर कर के पूरा देख रहे होंगे कितना मेहनत से बना रही हैं ग्रीटिंग। तो वो ख़ास इंसान कौन है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके भी बेबी इस तरह से ग्रीटिंग वगैरह बनाते हैं, ड्राॅइंग करते हैं। पीओ को थोड़ा बहुत ड्राॅइंग में एक्चुअली इंटरेस्ट है तो पीहू बनाए थे। तो मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, एक्चुअली सुबह से नहीं, अभी जब पीहू ने स्टार्ट ये ड्राइंग वगैरह करा ना, तो तब मुझे ध्यान आया कि ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। पीहू ऐसे बैठ के बना रही थी तो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थॉट कि ब्लॉग स्टार्ट किया जाए यार, एंड आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मेन जिस इंसान के लिए इतना मेहनत से बना रही, उस इंसान तक मुझे ये ब्लॉग एक्चुअली पहुँचाना था कि कितने ही प्यार से आपके लिए बनाया गया है। आप खुद देखिए और आगे आपको वीडियो में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहीं पे ब्लॉग ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा सा भी पीहू को ज़्यादा दिखा रही हूँ, बट आगे ब्लॉग में और भी बहुत सारा कुछ है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी बच्चे इस तरह से ड्राइंग वगैरह करते हैं या किसी के लिए इस तरह से ग्रीटिंग वगैरह बनाते हैं। कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। तो यहाँ पे इनके जब तक ड्राइंग चलता है, जब तक मैं आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ। और ये एक्चुअली ऑनलाइन मैंने कपड़े मंगाए हुए हैं और इसका रिव्यू मैं अभी चैनल पर अपलोड करूँगी कि मैंने कहाँ से मंगाया, क्या प्राइस एंड एक्चुअली सारा कुछ, कपड़े की क्वालिटी कैसा है एंड ऑल। तो ये मंगवाया था मैंने अपने पापा के लिए, पापा आई मीन टू से फादर इन लॉ के लिए। तो ये कुर्ता पजामा का सेट है एंड ये मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आप लोग, छोटे से मेरे एक देवर हैं उनके लिए। तो अभी होली आ रहा है तो होली पे नए कपड़े तो बनते हैं, तो बस उनके लिए ही ये मैंने मंगाए हुए हैं। और इनके रिव्यू भी मैं चैनल पे अभी जल्दी अपलोड करूँगी, ऑनलाइन है ऑफकोर्स। आई डोंट नो कहाँ से मंगाया, अभी याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप देख लेना वीडियो में, मैं नेक्स्ट ही शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से मंगाया, इनकी क्वालिटी क्या है और आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना और वो वीडियो भी ज़रूर वॉच करना। ये क्यों कर रही हो? अपने छोटे पापा के लिए कर रही हूँ। क्या बना रहे हो? अरे हैप्पी बर्थडे। आगे दिखाओ, आगे दिखाओ, ये वाला आगे दिखाओ। ओ, ओ, खांसी भी हो गई। नहीं ये वाला आगे से दिखाओ, आगे से दिखा रही हूँ, पहले इसको चिपका, ये वाला नहीं चिपका, चिपका आगे से दिखाओ तो। अरे वाह पीहू, मैंने बनाया, जल्दी हटो जाओ। छोटी मैं स्पेलिंग देख रही हूँ, कहीं अपने स्पेलिंग तो नहीं रॉन्ग किया है। आपको हार्ट भी बनाने आता है? हाँ, बनाने आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बनाया आपने। ये केक बनाया आपने? हाँ। वेरी गुड, मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं दिखती है। बटरफ्लाई लगा रहे हो? बटरफ्लाई? हाँ। शाइन वाले? हाँ। क्या आपको क्या लगा था? मुझे लगा था कि आपको तो आता ही नहीं है लगाने, पर मुझे तो आता है। मैं सारे बटरफ्लाई आपके लगा रही हूँ, लगाए जा रही हूँ, लगाए जा रही हूँ। सारे बटरफ्लाई खत्म ना कर दो। अरे इतने बड़े बड़े बटरफ्लाई की तो जगा जाए।
सो वहाँ पे हो रहा है कार्ड कंप्लीट और यहाँ पे ये थोड़ा सा पैक करेंगे गिफ्ट, ये भी उनके लिए है, पीहू के छोटे पापा के लिए, क्योंकि वो अभी छोटे हैं इसलिए 7th क्लास में हैं, तो ये सब उनके काम आएंगे। और यहाँ पे ग्रीटिंग कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हम लोग इसको पैकिंग कर देंगे। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, क्या आप भी बचपन में इस तरह से करते थे? ये सब कुछ देख के आपको भी आपका बचपन याद आता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो एकदम पूरा अपना बचपन याद आता है। मैं तो बहुत ही इस तरह से करती थी, क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करती रहती थी। एंड ये वाला जो आइडिया ना, ये भी पीहू का ही था। एक्चुअली पीहू को बर्थडे पे इस तरह से किसी ने दिया था, तो ये सारा कुछ पीहू का ही आइडिया, मेरा ये आइडिया नहीं है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, सारा कुछ पीहू का आइडिया, बस पीहू कर जाए थे और मैं वीडियो शूट करी थी कि चलो वीडियो शूट कर लिया जाए। वहाँ पर पीहू का गिफ्ट कम्प्लीट हो चुका है एक्चुअली। एंड यहाँ पर ये डॉल है जो कि हस्बैंड जा रहे हैं गांव, जैसे कि मैं आपको बता दूं गांव जा रहे हैं, और वहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं। अब जा रहे हैं तो मीन्स गिफ्ट लेकर जाएंगे। और यहाँ पे एक डॉल है एंड ये बाजा है, यू नो डमरू बोल सकते हैं, हाँ ये डमरू है, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे होंगे। और गाँव में मतलब वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए छोटू सा क्यूट सा हमारी तरफ से गिफ्ट, और हमारी तरफ से क्या पीहू की तरफ से छोटू सा गिफ्ट। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हमने लिया था मथुरा या वृंदावन से, हाँ वृंदावन से लिया था जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और ये मतलब सभी को हम सेंड करने वाले हैं, इतना प्यारा सा है। पीहू ने लिया था और पीहू ने बहुत सारा लिया कि मुझे सबको देना है, ऐसे करके पीहू ने बहुत सारा लिया था। तो ये प्रसाद मैंने पैक किया घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए, और सबका अलग अलग प्रसाद, और सब में मैंने एक एक ये झाल जो है वो रखा है, ये जो बजाने वाला है। मैंने वृंदावन वो मथुरा के पेड़े रखे हैं ब्रजवासी के, एंड प्रसाद सिंदूर और एक झाल। जैसा कि देख रहे होंगे हस्बैंड तैयार हो चुके हैं, और मीन्स मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि जब घर जाने वाले तो हम तो घर पे अकेले ही रहेंगे ना, तो इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि और यहाँ पे कोई है नहीं, बस हम ही लोग हैं, तो थोड़ा सा वो लगता है। हस्बैंड पूछे थे कौन सा वाला पहन के जाऊँ, ये या फिर ये, तो मैंने बोला कि जो अपने जो पहने हुए हैं वो वाला पहन के जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन ये है फाइनल लुक मेरे हीरो का और हमारे फौज साहब का, जैसे कि आप लोग कभी देख रहे हो, इनको पता नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। मैंने बोला कि एक फोटो क्लिक करती हूँ करके, नहीं जा यार, ये वाला बैग मुझे एकदम बेकार लगता है, ये ट्रंक बैग है बाबू रुको रुको बाबू बाबू मजा यहाँ से मिल जाता है ऑटो के तुम्हें, यहाँ पे खड़े रहोगे ना शॉप के पास से मिल जाता है ऑटो। भरता नहीं आँखें रचती नहीं चाहे